पर्यावरण की क्लास जिसमें वन्यजीव संरक्षण और राष्ट्रीय पार्क इन सभी प्रश्न का इस क्लास में संग्रह है। सो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जिसमें यह प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएं। पहला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी से सभी लोग बताएं इसका आंसर कौन सा है। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में। यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी? गौरैया, मोर, सारस, क्रैन, तोता। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएं कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। जो क्लास है आज की वो यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण की क्लास रखी गई है, जिसमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन का भी इसमें संग्रह है। आप लोग उसको भी पूरा कर सकते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी क्या है? सारस क्रैन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जल्दी से बताएं, कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी, या बालुई मिट्टी। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बालुई मिट्टी। ऐसी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसका सर्वाधिक क्षेत्र पर भाग है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। जल्दी से बताएं, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति। कैक्टस वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डॉन्स, कंपास, पंपास, प्रियरीज। जल्दी से बताएं कौन सा शीतोष्ण घास नहीं है। डॉन्स, पंपास और प्रियरी ये सभी शीतोष्ण घास हैं, लेकिन कंपास यह उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में पाया जाता है। इसका आंसर है कंपास। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। क्या कहते हैं?
जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है इथियोलॉजी। सत्य प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय। बताए कौन सा है सत्य प्रकाश के लेखक? सत्य प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य प्रकाश पुस्तक थी उसके लेखक हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। जल्दी से बताएं सभी लोग, सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद। प्याज, आलू, अदरक ये किस प्रकार के होते हैं? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र। प्याज, आलू, अदरक ये सभी कैसे हैं? ये सभी एक तना के अंतर्गत आते हैं, प्याज, आलू, अदरक। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। कहाँ पर होती है झूम खेती? जल्दी से आंसर निकालें इसका। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में या तमिलनाडु में? झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती होती है मेघालय। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। जल्दी से बताएं, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है कौन सा? भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है बैरोग्राफ से वायु दाब नापते हैं, कार्डियोग्राफ से हृदय की धड़कन नापते हैं, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंडा प्रदेश, टैगा। कहाँ पर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो टुंडा प्रदेश में एक रेंडियर पाया जाता है। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा,
जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? भूतापीय ऊर्जा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम साहित्य स्रोत है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान होती है त्रिपिटक से। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर प्रसाद हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। निम्न में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? प्याज को नगदी फसल माना जाता है। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना होती है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. Verdon ने। किसने किया था टेलीविजन का आविष्कार? J.L. Verdon ने। जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसका प्रयोग आम या किसी भी फल को पकाने में करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता? केंचुआ और सर्प एक ऐसे जीव हैं जिनको किसान का मित्र कहा जाता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं तुलसी, तुलसी के नाम से जानते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी कोकारे बेलूर, नैलापट्टू, कुंथंदकुलम, इन सभी जगह प्रजनन करते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन है रीठा। किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? BDNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। एगमार का संबंध किससे है? एगमार का संबंध गुणवत्ता से है।
प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। कहाँ पर पाया जाता है? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सोलह घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? सोलह घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। इनमें से द्विबीजपत्री पौधा है सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। कैसा पौधा? प्रश्न आता है कि द्विबीजपत्री पौधा किसे कहते हैं? सरसों को कहते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। यहाँ पर गैंडा संरक्षित यानी गैंडा पाए जाते। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वानीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। राकेश कक्षा पांच पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना सबसे बेस्ट ऑप्शन। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे कहते हैं क्लास ट्रीडियम। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। गैसीय अपशिष्ट हैं तो गैसीय अपशिष्ट होते हैं लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ये सभी कैसे हैं? गैसीय अपशिष्ट हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं उसको कहते हैं एकोर्निया क्रांसिफी जलकुंभी। अगला प्रश्न
पुरबा किस अधिवास में शामिल है? पुरबा ग्रामीण क्षेत्र में शामिल होता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं पीने योग्य जल। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानें? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है? तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। किसमें? चंदौली जनपद में। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। किस गैस में क्रिसमस का किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया एक देश ऐसा है जिसमें क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। निम्न में से कौन सा कायांत्रित सेल का उदाहरण है? संग मरमर कायांत्रित सेल का उदाहरण है। बुद्ध ने अपनी प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम बोध संगति का सम्मेलन हुआ था। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऊंचे क्षेत्र में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय। ऊंचे क्षेत्र में जो ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय क्षेत्रों में। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। फसल कौन सी है जो जलोल मिट्टी में उगती है?
और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल की फसल है जो प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें इस फसल के लिए आवश्यक होता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। किसका अध्ययन? चट्टान का अध्ययन। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बेली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में बेली ऑफ फ्लावर्स है और साइलेंट वैली केरल में है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर? राजस्थान। हरियाणा में शुभ ख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा में शुभ ख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मानस पशु विहार किस राज्य में है? मानस असम में है। पचमढ़ी जीव संरक्षण मध्य प्रदेश। ये अभयारण्य से प्रश्न आ रहे हैं इस बार, तो अभयारण्य से प्रश्न करा रहा है। इन सभी जो वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट एग्जाम में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा मध्य प्रदेश। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर? मणिपुर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है। सोपान कृषि कौन सी कृषि? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। सोपान कृषि के लिए पहाड़ों के ढलान पर। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। चावल भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का पश्चिम बंगाल में। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय मरुस्थलों को कहते हैं थार का मरुस्थल। सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए उपयोगी है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। लाल मृदा में लाल रंग होता है वो लोहा के कारण होता है। किसके कारण? लोहा के कारण। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्सारण की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? उसे कहते हैं लैटराइट।
निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति समुच्च कृषि है। कौन सी? समुच्च कृषि। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा यान है। कौन सा? गंगा डेल्टा यान। चारागाह को पंपास कहा जाता है। किसमें? दक्षिण अमेरिका में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है? पादप प्रवक पुंज। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। प्रकाश वर्ष किसका एक मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को आसवन की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। वारी पानी गुरु जल का रासायनिक संघटन क्या होता है? D2O। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है मेथिल एल्कोहल। नहीं, इसका है मीथेन। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी होता है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई? साइबेरियन सारस। इसके बाद पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु मिट्टी के अपमार्जक होते हैं। इसके बाद निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? गंगा डॉल्फिन।
भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है, आर्सेनिक। कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का, कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। विश्व में सबसे लंबा कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टस जो विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल परिवहन जाइलम नलिका के द्वारा होता है। तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल, यहाँ पर यूपी टेट 2023 के लिए बैच प्रारंभ है और आज की क्लास जो रखी गई थी वो जीएच का भी संग्रह इसमें है और यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी इस क्लास में लिया गया था। तो आप सभी लोग यदि यूपी टेट की तैयारी करना चाहते तो इस चैनल से जुड़ें और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।